सेकेंड रिएक्शन हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें वापस से वही हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। बेसिकली अभी इससे मैं हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर दोज मैथड बाई विच वी आर यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। हम अभी वो वाली मैथड देख रहे हैं जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, जब आपने एसिड एनहाइड्राइड बनाने के बारे में हम बात करें, तो हम जब भी कभी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया और इसे हम किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि P2O5, जैसे कि Al2O3, ठीक है, या हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करें, ये जितने भी आपने देखे हैं P2O5 हो या Al2O3 हो, ये सभी के सभी आप जानते हैं दीज ऑल आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये सभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो जब कभी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में गर्म करते हो, तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग अनहाइड्राइड मिलता है आपको। जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलता है आपको, एसिड अनहाइड्राइड। यहाँ पर आपको एसिड अनहाइड्राइड जो मिलेगा वो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा और उसका नाम भी उसी तरह से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, ये आपने एसिडिक एसिड लिया, एसिडिक एसिड को आपने जब गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या, इन केस में क्या निकल रहा है, ये डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, मतलब वाटर निकालते हैं। तो वाटर निकल जाने के बाद में क्या बनेगा, इस केस में जैसे वाटर जब निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3CO होल ट्वाइस O प्लस ये, ठीक। तो ये एसिड अनहाइड्राइड आपके पास में बन गया। अब जिस एसिड का था, जैसे ये किसका, कौन सा एसिड था, ये एसिटिक एसिड, इनका नॉमेनक्लेचर सर करते समय ध्यान रखना, जिस एसिड का आपने बनाया है उसी एसिड का अनहाइड्राइड रहेगा। ये एसिडिक एसिड का था, तो ये एसिडिक अनहाइड्राइड बन गया। जिस एसिड से आप बनाएंगे उसी एसिड का अनहाइड्राइड बनना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप अगर इसकी जगह आप प्रोपियोनिक एसिड लेते हैं, तो प्रोपियोनिक एसिड का अनहाइड्राइड बनाते समय प्रोपियोनिक एसिड का अनहाइड्राइड बनाते समय आपको ये प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड ही मिल जाएगा। जिस एसिड से आपने इसको बनाया है उसी एसिड का अनहाइड्राइड मिलता है। तो ये प्रोपियोनिक एसिड था, तो प्रोपियोनिक एसिड का ही अनहाइड्राइड मिल गया हमको, क्या, प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड। जिस एसिड से बना रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसी एसिड का नाम आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी तक हमने जो ये पढ़े, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड थे, अभी तक जो आपने पढ़ा ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेने की बजाय अगर मान लीजिए मैं डायकार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, जैसे कि ये डायकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास में सक्सेनिक एसिड। अब जब मैं इसको इनमें से ऊपर वाले जो जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट थे उनमें से किसी के साथ में भी गर्म करता हूँ, यदि मान लीजिए, तो गर्म करने पर क्या होगा, वही वाटर निकलेगा, गर्म करने पर वाटर निकलेगा और उसी का अनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसे सक्सेनिक एसिड था, तो सक्सेनिक अनहाइड्राइड, जो एसिड से आप बनाते हो उसी एसिड का आप इसको नाम दे दिया करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में इनके अनहाइड्राइड बन गए, ठीक। अब जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से आप बना रहे हैं उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का अनहाइड्राइड आपने बनाना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपने थैलिक एसिड लिया, थैलिक एसिड जो है, इससे आपने अगर किसी में से किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में गर्म किया, तो जिस एसिड से आपने बनाया है उसी एसिड का नाम देते हैं, मैंने जैसे आपको अभी भी 2-3 बार बोला, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये थैलिक एसिड का अनहाइड्राइड था, ये क्या बन गया, थैलिक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरीके से अनहाइड्राइड बनते हैं। अनहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता दूं, अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोला करते हैं, R CO होल ट्वाइस O, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारे पास में बनते हैं अनहाइड्राइड्स, ठीक है। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में गर्म करेंगे, तो उन्हीं का कॉरस्पॉन्डिंग अनहाइड्राइड बन जाएगा। एसिडिक एसिड से एसिडिक अनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड, सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिक अनहाइड्राइड। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि देखिए, अगर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है
और ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस कार्बन जुड़ा है। जब दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे तभी गर्म करने पर वाटर निकलेगा, तभी गर्म करने पर क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए वाटर निकला, यहाँ पर भी देखिए आप वाटर निकला। जिस कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप गर्म कर रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को, और दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर अलग अलग कार्बन जुड़े, देखिए ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन जुड़ा है और ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन जुड़ा है, तो गर्म करने पर वाटर निकलेगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर वाले कार्बन जुड़ा, नीचे वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप नीचे वाले कार्बन जुड़ा है, तो गर्म करने पर वाटर निकलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लूँ जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन जुड़े, देखिए जैसे ये हम सब जानते हैं ये कौन सा एसिड है, ये मैलोनिक एसिड है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन जुड़े हैं, और जब दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े तो गर्म करने पर वाटर नहीं, गर्म करने पर उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कॉरस्पॉन्डिंग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड निकलता बनता है। ठीक है, इफ बोथ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन देन ऑन हीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, और अगर दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे तो गर्म करने पर वाटर निकलेगा।